Okay, so let's just start with this seventh chapter, and I guess that will, that should be the last chapter in the, you know, like यहाँ पर हम लोग जो है बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट वगैरह को देख रहे हैं. तो सेवेंथ चैप्टर, इट इज अबाउट अमेजिंग एनिमल्स. ओके, आई मीन अमेजिंग एनिमल्स, ऑफ कोर्स एनिमल्स आर अमेजिंग. इसमें हम जो है डिफरेंट टाइप के हैबिटेट के बारे में जानेंगे, जो बॉडी कवरिंग्स होती है एनिमल्स की उसके बारे में जानेंगे, जो फीडिंग हैबिट है उनकी, एनिमल्स में जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं उनके मूवमेंट के बारे में जानेंगे और उनके माइग्रेशन के बारे में. तो मतलब एनिमल्स के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं. सो ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू बी रियली रियली यू कैन से इन्फॉर्मेटिव चैप्टर, काफ़ी और यूजफुल इंटरेस्टिंग सब कुछ होने वाला है ये चैप्टर. ठीक है, नाउ दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अमेजिंग एनिमल्स. ऑफकोर्स तभी तो हम लोग चिड़ियाघर जाते हैं, है कि नहीं? ये दुनिया जो है वो अमेजिंग एनिमल्स से भरी हुई है. नहीं भरी होती तो लोग चिड़ियाघर क्यों जाते भाई? और फिर भी इतनी सारी वैरायटी जो जंगल में है वो भी है. एनिमल्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, राइट? जानवर जो है वो लगभग सब जगह पाए जाते हैं, इन डेजर्ट्स, पोलर रीजन्स, ओशंस, एयर एंड माउंटेन्स, राइट? सब जगह, रेगिस्तान में चले जाओ आप, पोलर रीजन में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, हवा में चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ, जानवर आपको मिल जाएगा कोई ना कोई. नाउ एनिमल्स चूज अ प्लेस टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स. जानवर जो हैं वो अपनी रहने की जगह चुनते हैं अपने बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर, अपने बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. ओके, द सराउंडिंग्स इन विच द एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर एनवायरनमेंट. तो जिस माहौल में जानवर रहते हैं उसे उनका एनवायरनमेंट कहते हैं, उनका पर्यावरण कहते हैं. नाउ देयर फूड हैबिट, बिहेवियर एंड बॉडी फीचर हेल्प देम टू लिव इन दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. उनके जो फूड की हैबिट है, किस तरह का खाना वो खाते हैं, जो उनका बिहेवियर है, जो उनके बॉडी के फीचर्स हैं, उनके बॉडी के जो गुण हैं, वो सभी उनको हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने में. जैसे यहाँ पर हम जो है विभिन्न जानवरों को देख सकते हैं, राइट? और उनके रहने की जगह के बारे में भी हम लिख सकते हैं. सो वेल, दैट इज़ योर जॉब टू डू, आप लोग करिए. कौन कौन जानवर, जैसे भालू, डक है, नहीं शायद है, मंकी है, बर्ड है, राइट? फ्रॉग भी है, अरे दिख नहीं रहता ये. तो वेल, यू हैव गॉट डिफरेंट एनिमल्स. अब आप बताइएगा किधर रहते हैं ये एनिमल्स. अब सबसे पहले जब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है दैट इज हैबिटेट. हैबिटेट मतलब आवास, किधर रहते हैं वो. नाउ एन एरिया इन विच अ पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली लिव्स, ईट्स, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. ओके, वो एरिया जहाँ पर कोई पर्टिकुलर जानवर जो है वो प्राकृतिक रूप से रहता है, खाता है, बड़ा होता है, बच्चे पैदा करता है, वो उसका हैबिटेट हो गया. ठीक है, नाउ एन एनिमल मेक्स इट्स होम विद इन इट्स हैबिटेट. कोई भी जानवर अपना घर जो है वो इस हैबिटेट, इस निवास क्षेत्र के अंदर ही बनाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स लाइक लायंस, मंकीज एंड स्नेक्स. जैसे कि जंगल जो है वो बहुत सारे जानवरों जैसे कि शेर, बंदर, सांप, सबका आवास, अब निवास स्थान है. तो सब अपना घर जो होगा, होम जो होगा, वो इसी हैबिटेट के अंदर बनाएंगे. बट ऑल दिस एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस इन द फॉरेस्ट. लेकिन ये सभी जानवर जो हैं वो, देखो, फॉरेस्ट जो है वो सबका हैबिटेट हो गया, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर, उस हैबिटेट के अंदर, ये सब अब डिफरेंट एरियाज में रहेंगे, डिफरेंट होम्स में रहेंगे. ठीक है, जैसे कि लायन लिव्स इन अ डेन, मंकी लिव्स ऑन अ ट्री, राइट? सबका अपना अपना घर है फिर इस हैबिटेट के अंदर. सो डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स. डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं. द मेन हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स आर, जानवरों के जो मेन हैबिटेट हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, पोलर रीजन्स एंड हाई माउंटेन्स, ओशंस एंड फ्रेश वाटर बॉडी, जैसे कि लेक्स एंड रिवर्स. ये जो है मेन हैबिटेट हो गए. सो इफ़ यू आर आस्क्ड व्हाट आर द मेन हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स, योर आंसर शुड बी द मेन हैबिटेट्स फॉर एनिमल्स आर फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, पोलर रीजन्स एंड हाई माउंटेन्स, ओशंस एंड फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक लेक्स एंड रिवर्स. ये मेन हैबिटेट हो गए. ऑफकोर्स इन हैबिटेट्स के अंदर अलग अलग जानवर अलग अलग जगहों पर रहते होंगे. तो सबसे पहले हम फॉरेस्ट से बात शुरू करें. फॉरेस्ट आर लार्ज एरियाज दैट कंटेन वराइटी ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स. फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र होते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया होता है जिसमें कि विभिन्न विभिन्न तरह के पेड़ और दूसरे पौधे वगैरह होते हैं. नाउ अ लार्ज वराइटी ऑफ एनिमल्स ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट. अब काफ़ी बड़ी वराइटी में काफ़ी ज़्यादा प्रकार के जानवर वगैरह जो होते हैं वो भी जंगल में रहते हैं. नाउ डिफरेंट एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेज इन द फॉरेस्ट्स. डिफरेंट जानवर जो होते हैं वो डिफरेंट जगहों में रहते हैं जंगल में. फॉर एग्जाम्पल, लायंस एंड टाइगर्स लिव इन केव्स और डेंस. ओके, शेर या बाघ वगैरह जो है वो गुफा में या डेन में रहते हैं,
दूसरी तरफ बर्ड्स एंड मंकीज जो रहते हैं वो पेड़ पे रहते हैं, स्नेक्स जो हैं वो होल में रहते हैं, रैबिट्स बरों में रहते हैं। तो सबका अपना अपना घर होता है इस हैबिटेट के अंदर, राइट। सिमिलरली जो है डेजर्ट्स की अगर बात करो आप, तो ये जो सैंडी एरियाज़ हैं, बलुआई एरिया विच डू नॉट हैव सफिशियंट वाटर सोर्सेज और ग्रीन वेजिटेशंस, इन्हें डेजर्ट कहते हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रेट डेजर्ट्स। तो बोले डेजर्ट क्या हो गए, तो डेजर्ट्स आर सैंडी लैंड एरियाज विच डू नॉट हैव सफिशियंट वाटर सोर्सेज और ग्रीन वेजिटेशन। तो डेजर्ट्स आर यूजुअली हॉट एंड ड्राई प्लेसेस। डेजर्ट्स जो होते हैं वो नॉर्मली गर्म और सूखे जगह होते हैं। वाटर इज हार्डली फाउंड इन डेजर्ट्स, डेजर्ट में आपको मुश्किल से पानी मिलेगा। ड्यूरिंग द डे डेजर्ट्स आर हॉट वाइल एट नाइट दे आर कूल। दिन के समय में डेजर्ट्स जो हैं वो गर्म होते हैं जबकि रात के समय में जो है वो ठंडा हो जाते हैं। सो डेजर्ट एनिमल्स हैव सम स्पेशल बॉडी फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट माहौल है ना, दिन में काफ़ी गर्मी, रात में बिल्कुल जो है रात में ठंडा हो जाएगा। दूसरी तरफ बिल्कुल सूखा सूखा जगह ज़्यादा होगा आपको, राइट, क्योंकि पानी के सोर्सेज कम होते हैं, पौधे वगैरह कम होते हैं, तो मतलब कि खाने की भी व्यवस्था बहुत कम जगहों पर मिलेगी आपको। तो ऐसे में जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनको कुछ स्पेशल बॉडी फीचर्स होते हैं जो कि उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। सम ऑफ देम बडी अंडर द ग्राउंड ड्यूरिंग द डे टू कीप कूल। कुछ जानवर जो होते हैं वो दिन के टाइम में जो है ज़मीन के नीचे घुस जाते हैं ठंडा रहने के लिए। सम हैव थिक स्किन टू सेव वाटर, कुछ की खाल बहुत मोटी होती है, जैसे कि ऊँट की खाल बहुत मोटी होती है, तो इससे क्या होता है पानी जो है बॉडी से बाहर कम निकल पाता है। इसके अलावा कैमल स्टोर्स फैट इन हम्प्स एंड यूजेज इट एज फूड व्हेन नीडेड। कैमल वगैरह क्या करता है, तो वो जो है अपने हम्प्स में जो कुबर देखे हो ना ऊँट का, उसमें वो फैट जमा करके रखता है और इसको खाने के तौर पर, फूड के तौर पर यूज करता है जब भी इसे ज़रूरत होती है। इट कैन लिव विदाउट वाटर, फूड एंड वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये जो है बिना खाने और पानी के लंबे समय तक रह सकता है। लॉन्ग लेग्स ऑफ कैमल हेल्प इट टू कीप इट्स बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। कैमल के जो लंबे पैर होते हैं वो इसे जो है वो इसकी बॉडी को जो है बालू की गर्मी से दूर रखने में हेल्प करते हैं। इट कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट इट्स आइज फ्रॉम सैंड विद इट्स टू लॉन्ग आई लाइसेज, विद इट्स लॉन्ग आई लैशेज, जो बड़े बड़े जो इसके पलक होते हैं, तो इसके द्वारा ये क्या करते हैं अपनी आँखों को जो है बालुओं से भी बचा सकता है। फिर नेक्स्ट जो हैबिटेट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज ऑफ पोलर रीजन्स एंड हाई माउंटेन्स। दोनों को एक साथ इसलिए दिया गया है क्योंकि पोलर रीजन हो या हाई माउंटेन हो, दोनों बहुत ही ठंडी जगह होते हैं, ठीक है। पोलर रीजन्स एंड हाई माउंटेन्स बोथ आर वेरी कोल्ड प्लेसेज, ये काफ़ी ठंडी जगह होते हैं। दे आर कवर्ड विद स्नो, ये अक्सर जो है बर्फ से ढके रहते हैं। तो यहाँ पोलर रीजन में, खास करके पोलर रीजन में आपको मिलेगा पोलर बेयर, सील और पेंगुइन्स, दीज आर फाउंड इन दीज रीजन्स, वो इस रीजन में पाए जाते हैं। एंड दे आर एबल टू सर्वाइव देयर बिकॉज दे हैव स्पेशल फीचर्स टू विदस्टैंड कोल्ड। ये जो पोलर बेयर, सील और पेंगुइन वगैरह हैं वो पोलर रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं जिससे वो सर्दी, ठंडी जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे कि दे हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन विच हेल्प्स कीप देम वार्म। उनके स्किन के ठीक नीचे जो है चर्बी का एक लेयर होता है जो कि उन्हें गर्म रखने में मदद करता है। सम ऑफ देम ऑल्सो हैव थिक फर, उनमें से कुछ जो होते हैं उनके बॉडी के ऊपर बहुत मोटा मोटा जो है फर भी होता है ना, तो वो भी उन्हें गर्म रखता है। फिर बर्ड्स जो होते हैं, बर्ड्स लिविंग इन पोलर रीजन सच एज पेंगुइन्स एंड चार्मिगन्स, ठीक है, तो दे हैव थिक एंड डेंस फेदर्स ऑन देयर बॉडीज, उनके बॉडी पर जो है मोटा और काफ़ी घना जो है फेदर होता है, तो इससे उन्हें गर्म रहने में मदद मिलती है। फिर ओशंस की बात कर लो, तो ओशंस जो है, ओशंस आर द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ। ओशंस जो है वो अर्थ पर सबसे बड़ा हैबिटेट है, ठीक है, कोई जंगल ओशन इतना बड़ा थोड़ी होगा। अ लार्ज वराइटी ऑफ फिशेज आर फाउंड इन ओशंस, बहुत ज़्यादा वराइटी की फिशेज जो हैं वो ओशन में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो है ब्लू वेल, ऑक्टोपस, शार्क, ये भी पाए जाते हैं वहाँ पर। फिर फ्रेश वाटर की बात करो, जो साफ ताज़ा पानी होता है, मीठा पानी होता है, तो जैसे नदी, झील, तालाब वगैरह, दीज आर वाटर फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, ये जो है फ्रेश वाटर हैबिटेट्स हो गए। तो जैसे फिशेज हो गए, फ्रॉग्स हो गए, सैलामेंडर्स हो गए, दे लिव इन फ्रेश वाटर, ये जो है इसी मीठे पानी में रहते हैं। फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। मेंढक और सैलामेंडर, ये जो है एम्फीबियंस हैं, मतलब ये जो है ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, वो एम्फीबियंस कहलाते हैं, ठीक है।
सो वेल लेट्स यू नो टेक अ ब्रेक इन टुडेज़ लेसन हियर. आज हम लोगों ने जो सीखा उसके आधार पर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे ही सकते हैं. द सराउंडिंग्स इन विच एन एनिमल नेचुरली लिव्स इट इज कॉल्ड हैबिटेट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक एनिमल. इनमें से कौन जो है वो एक्वेटिक एनिमल है. ठीक है, एक्वेटिक एक्वेटिक एक्वेटिक. हाँ, पेंगुइन, व्हेल, कैमल. व्हेल, पेंगुइन पोलर रीजन में रहता है, ऑफकोर्स पानी में भी जाता है, नो डाउट अबाउट दैट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन. इनमें से कौन एम्फीबियन है. सैलामेंडर इज एम्फीबियन, जो कि पानी और जमीन दोनों में रहता है. सो वेल दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेसन. इन द नेक्स्ट लेसन वी विल टॉक अबाउट अडेप्टेशंस इन एनिमल्स. ठीक है, तो वेल लेट्स मीट फॉर द नेक्स्ट लेसन देन. अंटिल देन हैव फन. बाय बाय.